शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में अभी अभी एनसीबी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कुछ टाइम पहले एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था और पिछले काफ़ी टाइम से लगातार इस केस पर छानबीन चल रही थी। और अब जो है फाइनली इसमें एनसीबी की टीम ने अपना फाइनल चार्जशीट सबमिट किया है और इस फाइनल चार्जशीट में एनसीबी की टीम ने आज जो है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एनसीबी की टीम ने इसमें से टोटल 20 लोगों को गिरफ्तार किया था और उन 20 लोगों में से टोटल अभी जो है 6 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का इस चार्जशीट में कहीं भी आरोपी के रूप में नाम नहीं है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पूरी तरह से एनसीबी की टीम ने क्लीन चिट दे दी है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पर और क्या अपडेट आती है। बाय द वे काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा इस पर जो है एनसीबी के द्वारा उठाए गए इस कदम पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बाय द वे एनसीबी के द्वारा इस चार्जशीट में बोला गया है कि शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ में कोई सबूत ना मिलने की वजह से एनसीबी की टीम ने आर्यन खान को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।